नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धार जिले के पीथमपुर पहुंचे। यहां पर नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित पार्षदों को शपथ दिलवाई। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विकास यात्रा शासकीय थी, पंचायत स्तर पर भीड़ बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया था। यात्रा का प्रदेश भर में विरोध देखने को मिला। देखे खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के सचिव कुलदीप सिंह बुंदेला, जिला अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार सहित अन्य नेता मौजूद रहे। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। यहाँ के पदाधिकारियों को आमंत्रित करता हूँ। तो कैसा मध्य प्रदेश का निर्माण होगा? आज कमलनाथ का भविष्य या कांग्रेस का भविष्य नहीं तय करेगा, यह चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखेगी। पूरे प्रदेश का सत्यानाश, नौजवानों के भविष्य का सत्यानाश, कृषि क्षेत्र का सत्यानाश, जहां जहां देखो हर वर्ग परेशान है। छोटा व्यापारी होए, हमारा किसान हो जो भटक रहा था, आज लहसुन 1 रुपए में, प्याज 4-5 रुपए में, टमाटर का क्या हाल है? आपके यहाँ टमाटर नहीं होते हुए ये टमाटर का क्या हाल है? कैसे किसानों को भटकना पड़ा खाद के, अन्याय क्यों? ये आप जहां देखे सत्यानाश। कांग्रेस की सरकार रही थी 15 महीने, 2.5 महीने गए थे आचार संहिता, और लोकसभा चुनाव में 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। आप गवाह हैं, ये विकास यात्रा तो शासकीय यात्रा है। मुझे पंचायत सचिव मिले थे, कह रहे थे किस प्रकार का दबाव उन पर है कि इसको लाओ। अब भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, 150 जगह जहां ये गए विकास यात्रा में, इनके विधायक विरोध हुआ, आपने खुद टीवी में देखा, मीडिया में खुद आई बात, इनका जगह जगह विरोध हो रहा है, सब जगह हुआ, 150 जगह हो गया। अब इनकी हिम्मत नहीं है कि विकास यात्रा, तो विकास यात्रा है और जनता इसे विकास यात्रा का रूप दे रही है। देखो, हमें किसी की कमी नहीं है, हमारे सब कार्यकर्ता, हमारा संगठन मजबूत है। हम किसी एक व्यक्ति पर, ना कमलनाथ पर हम डिपेंडेंट है, ना किसी और पर डिपेंडेंट है। हम धार विधानसभा को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार टिकट दे रही है ओबीसी की कैटेगरी को दे रही है, और अगर हम समीकरण की बात करें तो ओबीसी बहुल क्षेत्र है, कांग्रेस जनरल कैटेगरी में टिकट देती है और फिर हार का सामना करना पड़ता है, क्या ये विचारणीय नहीं? हमने अभी अध्यक्ष किसको बनाया नगर पालिका ओबीसी को?